नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुधीर राजपूत है और आप देख टेक्निकल सुधीर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप गूगल मैप पर अपना प्लेस ऐड या रिमूव कैसे कर सकते हैं, या कोई रोड है उसे कैसे ऐड कर सकते हैं, या किसी रोड को रिमूव कैसे कर सकते हैं, और भी कई चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं जो कि गूगल मैप के बारे में है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना GPS ओपन कर लेना है। ठीक है, GPS ओपन करने के बाद आपको गूगल मैप में आना है, और गूगल मैप में आने के बाद आपको यहाँ ये कंट्रीब्यूट ये नीचे देखिए लिखा दिखा रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर आना है, और प्लेस तो ऐसे जहाँ तक सभी लोग ऐड कर लेते हैं, वो मैं आपको बता दूँगा। पहले आपको रोड ऐड करना सिखाऊँ। ठीक है, सबसे पहले ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए, अब यहाँ पर कितने ऑप्शन दिखा रहा है, मिसिंग प्लेस। ठीक है, कोई आपका बिजनेस दुकान वगैरह कोई है तो वो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, जिसकी आप दुकान को सिलेक्ट करके, या कोई मतलब ऑफिस दुकान, मतलब जो भी आप समझ रहे होंगे। एड्रेस, जैसे मेरी कॉलोनी नहीं है गूगल मैप का, जिस कॉलोनी में रहता हूँ, या मतलब समझ रहे होंगे। ठीक है, एड्रेस, मिसिंग रोड, कोई भी गांव के बाहर से या घर के बाहर से, या मतलब जो भी कॉलोनी में रोड है वो नहीं है गूगल मैप पर, आप डालना चाहते हैं तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अपलोड है, जैसे मान लीजिए आप कहीं गए, मतलब गूगल मैप पर देख के पहुँच गए किसी पर्टिकुलर जगह पर आप पहुँचे, और वहाँ पर वो है ही नहीं जगह, तो आप यहाँ फीडबैक दे सकते हैं अपना GPS ओपन करके कि यह जो प्लेस है ये रॉन्ग है। ठीक है, थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, एक सेकेंड अभी खुल जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं इस जगह गया, ठीक है, दुर्गा मंदिर गया मैं, और ये प्लेस वहाँ पर नहीं है, तो मुझे बस इस प्लेस को सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रिमूव इस प्लेस पर जाना है, और यहाँ अपनी फीडबैक दे देनी है कि ये प्लेस वहाँ है नहीं। देखिए ऑप्शन दिखा रहा है, परमानेंट क्लोज, डज नॉट एग्जिस्ट, मूव दिस न्यू लोकेशन, मतलब जो भी परेशानी हो वो सिलेक्ट करके और सबमिट कर दीजिए। ठीक है, मुझे डिस्काउंट दे देता हूँ भाई, और रोड ऐड करना सिखाता हूँ मैं सबसे पहले आपको। ऑल राइट गाइस, तो ये देख सकते हैं ये लोकेशन खुल चुकी है, वो नेट थोड़ा स्लो चल रहा था तो वीडियो मुझे पॉज करनी पड़ी थी। ठीक है, अब मान लीजिए ये मेरी एक लोकेशन है जहाँ पर मुझे रोड ऐड करनी है। ठीक है, जैसे ये दिखा रहा है ये रोड आई है यहाँ पर, लग तो रॉन्ग लग रही है, आप इसे रिमूव भी करवा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको यहीं से ऐड करके दिखा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आके छूट गई है। ठीक है, आपको यहाँ से ये प्लस का पॉइंट दिखा रहा है, ऐड पॉइंट, यहाँ से क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद मतलब जैसी रोड है उस प्रकार से, मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक आई। ठीक है, उसके बाद वापस से प्लस पॉइंट पर कर रहा हूँ, उसके बाद यहाँ से आ जाना है, मतलब जिस प्रकार से रोड आई है, जैसे तिरछी है, जैसे यहाँ पर आके प्लस करके नेक्स्ट कर लेना है, अगर इतनी मान लीजिए। ठीक है, ये आपको यहाँ दिखा देगा, रोड का कोई नेम है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो इसे ऐसे ही खाली छोड़ देंगे, और रोड टाइप सेलेक्ट करेंगे, लोकल रोड है, मेन रोड है, कार पार्क है, या बाइकिंग है, या वॉकिंग रोड है, मतलब जैसी रोड है वो सेलेक्ट करके
सेंड कर देना है और 4-5 दिन में ऐड हो जाती है। मैंने बहुत सी रोडें ऐड की हैं और बैग बहुत सी रिमूव भी करवाई हैं, ठीक है। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन में जाकर रिमूव आप करवा सकते हैं, देखिए। और प्लेस का मैं बता ही चुका हूँ, और क्या रह गया है वो भी देख लेता हूँ। और एड्रेस, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, योर फीडबैक इज इम्पोर्टेंट। ओके, करता जा रहा हूँ, ठीक है। ओके, इसका हम एक सेकंड वेट कर रहे हैं, कर लेंगे। ऑल राइट गाइस, तो ये देखिए खुल गई है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, इस लोकेशन को ऐड करना है। ये तो बेलापुर का है कोई लोकेशन, ठीक है। मैं इधर आ जाता हूँ, यहाँ पर कोई लोकेशन नहीं है, ठीक है। अब इसको यहाँ पर कोई नई लोकेशन आई है, मान लीजिए यहाँ पर कोई कॉलोनी बनाई है, वो मुझे ऐड करनी है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट करूँगा, लोकेशन सेलेक्ट करके एड्रेस ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, जो उसका वो एड्रेस है, मतलब डिस्ट्रिक्ट वगैरह और पिन कोड, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। स्ट्रीट एड्रेस आपको यहाँ डालना है, ठीक है, और सबमिट कर देना है। थोड़ा डिले हो जाएगी क्योंकि ये अभी लॉकडाउन चल रहा है इंडिया में, ठीक है। इसके लिए थोड़ी डिले हो सकती है, आप एक बार ऐड करके छोड़ दें, वो ऐड हो ही जाएगी लॉकडाउन हटने के बाद, 4-5 दिन और लगेंगे, ऐड हो जाएगी। अगर आप सही इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं तो, गलत कर रहे हैं तो सॉरी, नहीं हो पाएगी ऐड, ठीक है। और बस अगर आपका कोई प्लेस तो आप ऐड कर ही लेंगे, प्लेस यहाँ से ऐड करूँगा, प्लेस को ऐड करने के लिए मान लीजिए ये हमारी लोकेशन है, ठीक है। मैं सैटेलाइट में लगा लेता हूँ, प्लेस ऐड करने के लिए। देखिए मान लीजिए ये हमारी दुकान है किसी की, या फिर कोई ऑफिस है यहाँ पर, तो यहाँ पर मुझे टैप पर रखना है, ठीक है। टैप पर रखने के बाद ये नीचे ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आके ये देखिए ऐड मैसेज ब्रेस दिखा रहा है, ये देखिए यहाँ क्लिक करके जो भी हमारे ऑफिस का नाम होगा वो हम यहाँ डाल के और एड्रेस वगैरह डाल के और जो हमारी ऑफिस किस चीज़ की है, ठीक है, सेलेक्ट करके, रेस्टोरेंट है क्या है, कोई भी मतलब मोबाइल की दुकान है या कैफे, मतलब जो भी है, जो कुछ भी है। तो बहुत स्लो चल रहा है आज इंटरनेट, पता नहीं क्यों। ओके गाइस, देखिए तो ये खुल चुका है। एड ए प्लेस, नेम डालना है आपको अपने ऑफिस का, ठीक है। कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जो भी है, होटल है, होटल सेट कर देना है, ठीक है, मतलब जो कुछ भी है। होटल फोन आ रहा है, ओके। आप देख लेना जो भी है, मतलब स्कूल, कैफे, शॉपिंग सेंटर, बार, सुपर मार्केट, क्लॉथिंग शॉप, जो भी है। नेम डालना है अपनी दुकान का और एड्रेस डालना है, यहाँ पर एड्रेस ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया, ओके, ठीक है। और सबमिट कर देना है। पर आपको और इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है तो वेबसाइट ओपनिंग डेट वगैरह और फोटो आवर्स, मतलब कितनी टाइम से कितने टाइम तक ओपन रहता है, वो सब ऐड यहाँ पर डाल के आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। और कब कब मतलब ओपन रहता है, संडे को बंद रहता है या ओपन रहता है, वो भी आप अभी अगर आप टैप नहीं करें तो अभी ओपन हो जाएगा, ठीक है। और टाइम सेलेक्ट कर लीजिए आप यहाँ से। आपको अभी कोई बात मतलब समझ में नहीं आ रही हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कुछ सुझाव वगैरह है तो कमेंट में बताइए। किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी मुझे बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।